जादू। मैजिशियन इस आर्ट को इतनी सफाई से करते हैं कि हजारों की भीड़ में भी जादूगर की कलाकारी को पकड़ना नामुमकिन सा होता है। जादूगर जब भी कोई मैजिक स्टेज पर करता है तो एक ही बात याद आती है और वो है छलावा, मतलब इल्यूजन। जादूगरों के पास ऐसे ही इल्यूजन की गजब की आर्ट होती है जिसकी मदद से ये जादूगर अपनी मैजिक ट्रिक को अंजाम देते हैं और देखने वालों को यही क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर इस मैजिक के पीछे की ट्रिक क्या है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों में से एक डार्सी ऑक्स की फेमस डव मैजिक ट्रिक को देखेंगे, उसके बाद उस मैजिक ट्रिक को रिवील्ड भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर लिया, चलिए शुरू करते हैं। डार्सी ऑक्स का वो फेमस डव एक्ट, ये पहली बार नहीं था जब ऑन स्टेज डव एक्ट किया गया था। वैसे तो दशकों से डव एक्ट होते आए हैं लेकिन डार्सी ऑक्स जैसा मैजिक या कहें इल्यूजन कोई भी नहीं कर पाया। डार्सी ऑक्स को सबसे पहले ब्रिटेन्स गोट टैलेंट में देखा गया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी जैकेट की जेब से एक पंख निकाली और फिर उस पंख को जलाकर उसमें से एक कबूतर सबके सामने निकाल दिया और फिर उस डव में से एक और डव को निकालकर एक पिंजरे में रख दिया। उसके बाद उन्होंने इसी तरह एक और पंख अपनी जेब से निकाला और उसे जलाकर एक डव उसमें से निकाल दी और उस डव में से एक अंडा भी निकाला और फिर उस अंडे में से एक छोटे से पक्षी को निकाल दिया। डार्सी ऑक्स ने अपनी जेब से एक और पंख निकाला और उसे जलाकर एक पिंजरा बना दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक था लेकिन इस मैजिक के ट्रिक का सबसे बड़ा आर्ट अभी बाकी है। उन्होंने उसी पिंजरे में एक पक्षी को डाला और उसी पिंजरे में से एक और पिंजरे को निकालकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन असली जादू तो अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। उन सारे डव को जो पिंजरे में बंद थे उस पर एक काला कपड़ा डालकर उसमें से एक खूबसूरत लड़की को बाहर निकाल दिया। अब तक हमने देखा डार्सी ऑक्स के स्पेशल डव मैजिक एक्ट को, अब हम इस मैजिक ट्रिक को रिवील्ड करेंगे और देखेंगे डार्सी ऑक्स ने इस कमाल के एक्ट को कैसे अंजाम दिया था। डार्सी ऑक्स ने अपने मैजिक को शुरू किया था एक पंख से, लेकिन असल में कोई पंख नहीं है। जादुई भाषा में इसे फ्लैश पेपर कहते हैं और सभी मैजिशियन इस फ्लैश पेपर का इस्तेमाल करते हैं अपने मैजिक आर्ट के दौरान ताकि ऑडियंस को पता ना चल सके कि मैजिशियन ने ट्रिक की कैसे। लेकिन पहले ट्रिक का सीक्रेट तो यही है, वो उस फ्लैश पेपर को जलाते हैं और अपने लेफ्ट हैंड में से उस डव को बाहर निकालते हैं। चलो स्लो मोशन में देखते हैं। यहाँ इस फ्रेम में साफ देखा जा सकता है डव को उनके लेफ्ट हैंड की बाजू से निकलते हुए। दूसरे डव को निकालने का तरीका भी उनका कुछ ऐसा ही था। अगर इस फ्रेम को हम ध्यान से देखेंगे तो उनका राइट हैंड जैसे चेस्ट से चिपका हुआ है और वो दूसरा डव उनके इसी हैंड में छिपा हुआ है। अगर हम स्लो मोशन में देखेंगे तो वो दूसरा डव गर्दन की तरफ से आता हुआ दिखता है। लेकिन डार्सी ऑक्स ने ये ट्रिक इतनी जल्दी की कि ऑडियंस को ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक डव से दूसरे को निकाल दिया है। अब वो अंडा देखते हैं मैजिशियन ने ट्रिक कैसे की। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो अंडा उनके हाथ में पहले से ही मौजूद था जिसे उन्होंने अपनी जैकेट की पॉकेट से निकाल लिया था। उस अंडे से उन्होंने जो पक्षी निकाला था वो भी कहीं और से नहीं बल्कि उनकी जैकेट की दूसरी पॉकेट से आया था। वीडियो के इस फ्रेम को अगर हम गौर से देखें तो डार्सी ऑक्स एकदम 90 डिग्री घूम जाते हैं जिससे उनका लेफ्ट हैंड छिप जाता है और फिर जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर लाते हैं उनके हाथ में एक पक्षी आ जाता है और उसे छुपाने के लिए वो अपने राइट हैंड से उसे कवर कर लेते हैं और उस अंडे को क्रैक करते हैं ये इल्यूजन दिखाने के लिए जैसे वो पक्षी अंडे में से ही निकला हो। लेकिन ये तो हम देख ही सकते हैं कि इस बर्ड का सर भी दिख रहा है और टेल भी, लेकिन ये जानने के लिए हमें वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अब उस एक्ट को रियल बनाने के लिए भी डार्सी ने उसी फ्लैश पेपर का यूज किया। जैसे कि हम बता चुके हैं फ्लैश पेपर का जो यूज है वो क्विक मोमेंट के लिए किया जाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डार्सी ने वो केज अपने जैकेट की राइट बाजू से निकाला है। सेम यही प्रोसेस उन्होंने अपने दूसरे केस को निकालने के लिए भी किया है। उन्होंने अपनी लेफ्ट साइड की पॉकेट में से दूसरे केस को बर्ड के साथ निकाला। फ्लैश पेपर बर्न होने के साथ ये एक्ट इतना क्विक हुआ ऐसा लगा जैसे पहले केस में से ही दूसरे वाला केस भी निकाला हो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरे केस का पक्षी जिंदा नहीं है बल्कि वो कोई पक्षी है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक डमी है।
अब आते हैं उस लास्ट पार्ट पर जिसमें डार्सी ने पिंजरे से वो लड़की निकाली थी, जिसमें वो पिंजरे को एक काले कपड़े से ढक देते हैं। लेकिन इस एक्ट में यही झोल है, इस बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉक्स इतना बड़ा है कि इसमें एक लड़की को भी आराम से बैठाया जा सकता है। दरअसल इस बॉक्स में दो पार्टीशन है, इसमें एक में लड़की को पहले से ही बिठाया गया है और फिर जैसे ही वो लड़की खड़ी होती है डार्सी बर्ड्स को उस काले कपड़े में ही छिपा लेते हैं और इसी के साथ डार्सी ऑक्स का ये फेमस डव मैजिक एक्ट पूरा हो जाता है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।